हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो आज वीडियो बना रहा हूँ, जो अपलोड किया था, उसमें रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब कि बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। मेरे जो ये टिक ट्रिप्स जो मैंने दे रहा है, और जो मैं समझाता हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए एक लड़का ने मुझे कमेंट किया कि सर, थैंक यू फॉर टीचिंग अस एडीसी प्लस। क्या नाम था उसका? संतोष कुमार, संतोष ने, सौरभ कुमार। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग रिस्पॉन्स करते, इसलिए बोलते कमेंट किया कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आप लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है मेरा टॉपिक्स, आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, वो अच्छा लग रहा है। इसलिए बोलता है कमेंट्स किया कीजिए। आप लोग भी कमेंट करिए, जो जो देख रहे हैं उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी ना मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बेसिक्स वर्क इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम लोग जनरली क्या काम करते हैं? देखिए, बेसिक वर्क इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम लोगों को बेसिक क्या क्या काम करना पड़ता है, वो बताने से पहले मैं एक कहानी बताता हूँ, वो सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे वर्क किया जाता है, क्या वर्क किया जाता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए एक लैला एक मजनू है। ठीक है, सपोज करिए, अभी आंखें बंद कर लीजिए आप लोग, सिर्फ मेरी बातों को सुनिए, आंखें बंद कर लीजिए, कनेक्ट करेंगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सपोज करिए एक लैला एक मजनू है, वो दोनों कहीं घूमने जाते हैं, शायद पार्क, झील, माउंटेन, कहीं भी। वो लोग बहुत सारे फोटोज खिंचाते हैं, बहुत सारे सेल्फीज लेते हैं, आजकल का ट्रेंड है सेल्फी लेने, कहीं भी जाएंगे घूमने तो सेल्फी लेते हैं, तो वो लोग भी बहुत सारे सेल्फीज लिए। अब जो मजनू है वो तो अब सारे सेल्फीज अपने फोन में रख नहीं सकता, अगर उसके फैमिलीज देख लिए या फ्रेंड्स देख लिए तो उन्हें पता चल जाएगा, उनका जो राज है वो तो खुल जाएगा। तो इसके चक्कर में मजनू सोचा क्या करे क्या करे क्या करे, फिर वो सोचा कि अपने सारा फोटोज और वीडियोज कंप्यूटर में सेव कर दें, ताकि वो सेफ भी रहे और मेरा फोन बचा रहे। ठीक है, तो क्या करता है, पहले तो वो कंप्यूटर खोलता है, उसके बाद फोल्डर क्रिएट करता है, फोल्डर बनाता है, फोल्डर में अपना सारा वीडियोस, ऑडियोस और जितने भी फोटोज थे, सेल्फी लिए थे, वो सब डालता है। डालने के बाद वो फोल्डर का नाम लिखता है, कौन सा फोल्डर, क्योंकि ये फोल्डर सीक्रेट करके रखना है ना, कि कोई और ना देखे, तो उसको एक स्पेसिफिक नाम देता है। उसके बाद वो सेव करके उसे रख देता है, और बाद में क्या होता है, एक फ्रेंड उसको पता चल जाता है कि इस नाम से वो फोल्डर बनवाया है, तो बाद में मजनू क्या करता है, उस फोल्डर को रिनेम कर देता है, ताकि जो उसका फ्रेंड को पता चला कि इस फोल्डर के नाम से उसका सारा फोटोज है, सेल्फीज है, अगर उसके फ्रेंड के हाथ में लग गया तो उसका फोल्डर तो खुल जाएगा, तो इसलिए वो सारा उसको रिनेम करके फाइल को, और वो कहीं और सेव कर देता है। उसके बाद फिर भी उसका फ्रेंड बहुत चालाक, वो कहीं ना कहीं से खोज लेता है यही वो फोल्डर है, तो अब वो क्या करता है कि उस फोल्डर को डिलीट कर देता है। ठीक है, उस फोल्डर को डिलीट कर देता है। उसके बाद ये सब कहानी है, आइए इसको इसको एक्सप्लेन करेंगे कंप्यूटर वाइज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है टॉपिक आज का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक वर्क। जब हम लोग कंप्यूटर का पहला प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारा बेसिक वर्क है। ठीक है, क्या है पहला बेसिक वर्क, हाउ टू क्रिएट अ न्यू ऑन न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में नया फोल्डर कैसे बनाएंगे। जनरली सी बात है, हम जो फोटोज वीडियोज ऑडियोज जो सेव करेंगे वो कहीं ना कहीं कोई फोल्डर बना के रखेंगे, ऐसे तो खुले में रखेंगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो स्टेप्स दिया हुआ है, फर्स्ट राइट क्लिक ऑन माउस ऑन द डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप खोलेंगे आप लोग, डेस्कटॉप खोलते के साथ माउस से राइट क्लिक करेंगे और कुछ ऐसा टूल बार खुलेगा। ठीक है, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं डाटाबेस। तो फर्स्ट राइट क्लिक ऑन माउस ऑन द डेस्कटॉप, एक चीज और बताना चाहते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का बहुत यूज होगा प्रैक्टिकल सेशन में, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का बहुत यूज होगा, तो अभी मैं समझा देता हूँ, राइट क्लिक किधर है और लेफ्ट क्लिक किधर है। ठीक है, ओके, देखिए जो पहले माउस बना लेते हैं, ये माउस है। ठीक है, ये जो है ये राइट क्लिक है, और ये जो है लेफ्ट क्लिक है। ठीक है, देख लीजिए अपने हिसाब से, इधर राइट गया तो ये राइट क्लिक, इधर लेफ्ट गया तो ये लेफ्ट क्लिक। ठीक है, तो जहां भी राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक यूज होगा तो अपने अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा कौन सा राइट क्लिक है कौन सा लेफ्ट क्लिक है। तो
स्टेप क्या बोलता है फोल्डर क्रिएट करने के लिए, क्या स्टेप बोलता है? फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द माउस ऑन द डेस्कटॉप। जब डेस्कटॉप आप ओपन करेंगे तो माउस से लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद देन चूज द न्यू ऑप्शन। यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें एक न्यू ऑप्शन का फोल्डर होगा, उसको चूज करेंगे एंड चूज फोल्डर ऑप्शन। जो फोल्डर ऑप्शन खुलेगा इसके साथ उसको आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद नाउ पुट द नेम, जब आप फोल्डर वाला में क्लिक करेंगे तो उसमें आपको फोल्डर में नाम पूछेगा, जो फाइल बनेगा उसमें आपसे नाम पूछेगा कि क्या नाम लिखना है। ठीक है, तो यही सिंपल से स्टेप्स हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या बोला गया है, पहले आप अपने डेस्कटॉप में जाइए, राइट क्लिक करिए और उसके बाद न्यू कमांड में जाइए। न्यू कमांड जाने के बाद फोल्डर कमांड में क्लिक करिए, उसके बाद फोल्डर का नाम लिख के सेव कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोल्डर कैसे रिनेम करते हैं, क्योंकि जो मजनू था वो तो फोल्डर बना लिया, वो जितने फोटोज थे सारा सेव करके दिया। अब देखेंगे कि फोल्डर को रिनेम कैसे करेंगे ताकि वो उसका फ्रेंड देख ना सके। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू रिनेम एनी फोल्डर, फोल्डर को रिनेम कैसे करेंगे। मान लीजिए जो मजनू ये फोल्डर बनाया, तो इसको उसका फ्रेंड, उसको पता चल गया कि ये फोल्डर का ये नाम है, अब तो वो फोटो लेके उसको ब्लैकमेल कर देगा। तो मजनू क्या करता है कि अपना फोल्डर को ही रिनेम कर देता है, किसी और के नाम से वो सेव करके रख देता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टेप्स देखते हैं। राइट क्लिक माउस ऑन दी फोल्डर, ये जो फोल्डर बनाया है उसमें राइट क्लिक करेंगे। कौन सा राइट क्लिक, ये राइट क्लिक। ठीक है, उसके बाद क्या आगे क्या स्टेप है, देन चूज ऑन रीनेम कमांड। जब राइट क्लिक करेंगे इसमें तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें लास्ट सेकेंड या लास्ट हक में रीनेम का ऑप्शन होगा, उसमें जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद नाउ पुट दी अनदर नेम, उसके बाद जब क्लिक करने के बाद तो उसमें अनदर नेम पूछेगा, जो ये फाइल था उसका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। अनदर नेम टाइप करने बोलेगा कि आप कौन सा दूसरा नाम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो रिनेम करना हम लोग सीख गए थे कि कैसे रिनेम किया जाता है, अब सीखेंगे डिलीट करना, क्योंकि जो मजनू का जो दोस्त था उसे पता चल चुका था कि वो रिनेम करके कौन सा फोल्डर में रखा है। अब मजनू क्या करेगा, मजनू उस फोल्डर को मजबूरन डिलीट करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिलीट करना। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डिलीट एनी फोल्डर। तो स्टेप्स क्या है उसके लिए, राइट क्लिक माउस ऑन दी फोल्डर, जो वो फोल्डर रहेगा, जो फोल्डर वो कहीं भी सेव करके रखा है। ठीक है, ये फोल्डर है उसमें वो राइट क्लिक करेगा, उसके बाद देन क्लिक ऑन द डिलीट कमांड। जब राइट क्लिक करेगा तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें वो डिलीट कमांड में क्लिक करेगा। ठीक है, उसके बाद एज रिजल्ट योर फोल्डर विल बी डिलीटेड, जो उसका ये फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। मजबूरन मजनू को डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिलीट करना, कैसे डिलीट किया जाता है। अब होता है कि हाउ टू हिडन डेस्कटॉप आइकन। मान लीजिए आपके डेस्कटॉप में जो भी आइकन्स आते हैं ये साइड में, तो उसको आपको हाइड करना। आपके यहाँ कोई बच्चा है वो आपके कंप्यूटर को बार बार यूज करता है तो शायद शायद खराब कर दे या कुछ कर दे, तो इसलिए आपको आइकन हिडन करना है। तो क्या करिएगा, उस आइकन को आपको छुपा देना है। तो उसके लिए क्या करिएगा, उसके लिए भी आइए देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू हाइड डेस्कटॉप आइकन्स, डेस्कटॉप के जो आइकन है उसे हाइड कैसे करें। तो राइट क्लिक ऑन माउस दी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में पहले राइट क्लिक करेंगे। देखिए ये जो डेस्कटॉप है इसमें पहले राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एंड चूज व्यू ऑफ कमांड। जब राइट क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें व्यू कमांड को चूज करेंगे। जब व्यू कमांड को चूज करने के बाद क्या बोलता है, गो टू शो डेस्कटॉप आइकन्स। जब व्यू कमांड को चूज करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा व्यू कमांड का, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा शो डायलॉग बॉक्स आइकन। तो उसमें जाके क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक ऑन इट, इसमें जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या होगा, एज रिजल्ट योर डेस्कटॉप आइकन विल बी हिडन, जो आपका डेस्कटॉप का जो आइकन्स है जो साइड में आता है वो सारे के सारे छुप जाएंगे। ये सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, तो वो जो आइकन्स है जितने भी वो सारे हाइड हो जाएंगे, जिस तरह आप उसको हाइड किए हैं उसी तरह उसको अनहाइड कर देंगे। प्रैक्टिकल में सारा कुछ दिखाया जाएगा कि कैसे हाइड करना है, कैसे अनहाइड करना है, सब कुछ। तो यहाँ तक समझ में आ गया, जो मजनू है वो अपने फोल्डर में, अपने कंप्यूटर में फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर को रीनेम किया, फोल्डर को डिलीट भी कर दिया,
अब आता है उसके आइकन्स, जो उसके कंप्यूटर में आइकन्स है उसको वो कैसे हाइड करेगा, वो भी आप लोग सीख चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आइकन्स को हाइड करना हम लोग सीख चुके थे। अब जो वो मजनू होता है, वो जितने भी सेल्फीज लिए थे, उन सेल्फीज में से कोई एक सेल्फीज को अपने लैपटॉप में एज अ बैकग्राउंड वॉलपेपर लगाना चाहता है कि वो जब भी अपने लैपटॉप को खोले वो अपनी लैला को देख सके, जबकि उसे पता है कि लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले, उसे पता है कि वो लुट जाएगा किसी ना किसी दिन, लेकिन फिर भी एक जो अपना फीलिंग्स होता है वो अपना शेयर करना चाहता है, वो हमेशा उसकी सोचता है कि वो अपनी लैला को अपने पास रखे। तो वही अपना जो वॉलपेपर होता है वो अपने कंप्यूटर में लगाना चाहता है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर में वॉलपेपर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है हाउ टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड मीन्स वही वॉलपेपर, तो जो वॉलपेपर पहले से लगा हुआ रहता है हर कंप्यूटर में, पहले से वॉलपेपर लगा हुआ रहता है, अब उसको चेंज करके वो अपनी लैला का वॉलपेपर लगाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ये स्टेप्स है, राइट क्लिक माउस ऑन दी डेस्कटॉप। ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप देखिए, ये जो डेस्कटॉप है उस पर राइट क्लिक करेगा, उसके बाद क्या है एंड चूज पर्सनलाइज कमांड। जब राइट क्लिक करेगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें पर्सनलाइज कमांड को चूज करेगा। चूज करने के बाद क्या बोलता है, एज रिजल्ट योर डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले। जो पर्सनलाइज कमांड को चूज करेगा तो उसको एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें सब कुछ है, वॉलपेपर को चेंजिंग के अकॉर्डिंग जो जो फीचर्स होने चाहिए सो। तो वो क्या करेगा, नाउ चूज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड ऑप्शन में जाके चूज कर देगा वो, क्योंकि उसको बैकग्राउंड सेट करना है। उसके बाद क्या करेगा, एंड चूज एनी वन डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, मतलब कि जब वो बैकग्राउंड ऑप्शन में जाएगा तो उसमें बहुत सारे फोटोज मिलेंगे, तो वो अपनी लैला का फोटो को चूज करेगा तो बैकग्राउंड लगाएगा, यही ना करेगा। जब उसे अपना लैला का फोटो को लगाना है तो वो क्या करेगा, अपनी लैला का फोटो को चूज करेगा और बैकग्राउंड लगाएगा, मीन्स वॉलपेपर। तो वही बोल रहा है एंड लास्ट क्लिक सेव चेंज, जब वो अपनी लैला को के फोटो को चूज कर लेगा तब वो सेव कर देगा एज अ बैकग्राउंड। तो क्या बोलता है नेक्स्ट स्टेप, एज रिजल्ट योर बैकग्राउंड विल बी सिलेक्टेड, मतलब लैला लैला वॉलपेपर में आ गई, जो लैला है इसकी वो वॉलपेपर में आ गए। ये जो मजनू है वो खुश, वो तो खुश हो गया, वो उसकी लैला उसके वॉलपेपर में आ गई, अब मजनू जब चाहे तब उस अपनी लैला को देख सकता है, तो ये हुई ना अच्छी बात। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो। तो मजनू जो अपना लैला के फोटो लगाया था बैकग्राउंड, वो महीने 1.5 महीने के बाद वो देखते देखते बोर हो गया। अब मजनू ये सोचा कि हम क्यों ना दूसरा फोटो लगाएं, तो कंप्यूटर में दूसरा फोटो लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं स्टेप्स के साथ। तो क्या है, जो ये हाउ टू सेट एनी इमेज इन योर कंप्यूटर स्क्रीन बैकग्राउंड, हाउ टू सेट एनी इमेज इन योर कंप्यूटर स्क्रीन बैकग्राउंड, मतलब स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन बोलिए या बैकग्राउंड दोनों सेम है। ठीक है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या है, अगर हमको फोटो चेंज करना है, हमको अपनी लैला के पहला फोटो जगह दूसरा फोटो लगाना है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, राइट क्लिक ऑन माउस दी डेस्कटॉप, ये जो डेस्कटॉप है डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एंड चूज पर्सनलाइज कमांड, जब राइट क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें पर्सनलाइज कमांड को चूज करेंगे, एज रिजल्ट योर डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड, एज रिजल्ट योर डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड, जो पर्सनलाइज का डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले होगा। अब वो डिस्प्ले होने के बाद हम क्या करेंगे, नाउ चूज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, नाउ चूज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, जब डायलॉग बॉक्स खोलेगा तो हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन को चूज करेंगे जो शायद इधर कहीं होगा। बैकग्राउंड ऑप्शन को चूज करने के बाद क्या करेंगे, एंड चूज ब्राउज कमांड, यहाँ कहीं ब्राउज कमांड दिया होगा वॉलपेपर को सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, एज रिजल्ट ब्राउज कमांड डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले। अब यहाँ पे आपको फोटो दिखेगा लैला के, जो आपने हजारों फोटो खींचे होंगे वो सीरियल वाइज आपको दिखेगा, उनमें से कोई एक फोटो को चूज करिए। चूज करने के बाद क्या करेंगे, देन सेलेक्ट एनी डिसलेक्ट इमेज लोकेशन ड्राइव, ये जो ड्राइव में है यही बोल रहा है, ये जो ड्राइव में एक लोकेशन है उसको सेलेक्ट करिए, फोटो को सेलेक्ट करिए। इसके बाद आगे का स्टेप क्या है,
एंड चूज एनी वन ऑप्शन, एंड चूज एनी वन ऑप्शन, किसी एक को चूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, एंड लास्ट प्रेस टू सेव चेंज कमांड, सेव चेंज कमांड में प्रेस करेंगे। उसके बाद सेव करने के बाद क्या होगा, उसकी डायला का जो दूसरा फोटो है वो मेरा बैकग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, एज रिजल्ट योर सेलेक्टेड इमेज विल बी डिस्प्लेड इन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा प्रैक्टिकल करने में। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या बोला कि हमको अपनी लैला का फोटो दूसरा फोटो लगाना है, पहला फोटो हम देख देख के बोर हो चुके हैं, तो क्या करेंगे हम वही वापस वही काम करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और दूसरा फोटो लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको हम जो थ्योरी बताएं अभी जस्ट हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपको कंप्यूटर में दिखाएंगे कि कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो कराना है और कैसे जो होता है, जो फोल्डर क्रिएट करना है, सेव करना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है या बैकग्राउंड सेट करना है, ये सब कैसे कैसे करना है। ये तो था थ्योरी पार्ट, हम स्टेप टू स्टेप बता दिए, अब उसको प्रैक्टिकल करके हम बताएंगे कि कैसे कैसे किया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं कि डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स दिया हुआ है, मैं हर वीडियो में बताता नहीं हूँ लेकिन अब बताना पड़ेगा, ये सब जो मैंने लिखाया ये सब कुछ लिखा हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में, आपको आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये मिलेगा, आप इसको एक अच्छी कॉपी खरीदिए और उसमें नोट करते जाइए, क्योंकि ये पढ़ाई का वीडियो है। ठीक है, इसको जो लेक्चर वन से लेकर के जो अभी तक लेक्चर चल रहा है उसको सारे सीरियल वाइज लिखते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब कि आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही है। पढ़ाई कैसे कैसे आपको लैला और मजनू को रिलेट करके बताएं, ऐसा आई थिंक कोई टीचर नहीं बताता है, क्योंकि देखिए आपको समझाने के लिए हमको आपके लेवल से सोचना पड़ेगा, आपके माइंड में मैक्सिमम क्या चलता है, लैला और मजनू, देखिए मैक्सिमम टीनेजर्स के दिमाग में वही चलता है, लैला एंड मजनू, जब इसका कॉम्बिनेशन करके हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आपके दिमाग में जाएगा, हम चाहते हैं कि सुन के डायरेक्ट दिमाग में, सुन के दिल में उतरे। ठीक है, बहुत सारे चीज होते हैं जो हम लोग सुनते हैं और दिमाग में जाता है और कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो सुन के सीधा दिल में जाएगा, जो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बचपन में जो मम्मी आपको लोरी सुनाती थी, जो कहानियां सुनाती थी, तो क्या अभी भी आपको याद होगा, कैसे, जो आप सुन के सीधा वो दिल में उतरा, ना ही कि दिमाग में, जो दिमाग में रहता है वो टाइम टू टाइम डिलीट होते जाता है। ठीक है, तो इतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाइए जो असली हकदार है। मुझे मेरा पहला स्टूडेंट मिल चुका है क्या, सौरभ, सौरभ कुमार, आप लोग भी कमेंट करिए कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, पहली बात तो अच्छी बात है कि आज प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे तब तक तो हम लोग को कंप्यूटर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर चलाने की चीज़ है ना कि थ्योरी पढ़ने की चीज़। फिर भी आज चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए, ये जब कंप्यूटर हम ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस आता है। ठीक है, तो ये इंटरफेस में होता क्या, आखिर ज़्यादातर भी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, विंडोज़ में जाएंगे तो आपको सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे इसमें जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। ओके, तो आज बेसिक लेक्चर है, पहला लेक्चर है, जैसे कि आप लोग थंबनेल भी देखे थे, बेसिक वर्क्स इन कंप्यूटर। ठीक है, तो पहला क्या था हम लोग का क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप। मान लीजिए ये मेरा डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप है, अब हमको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, यहाँ पे मेरे पास इतने सारे एप्लीकेशन है, हमको एक फोल्डर बना, मान लीजिए कोई हमको वीडियो सेव करके रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। तो पहली बात आप लोग स्टेप्स पढ़िए, तो स्टेप्स क्या लिखा हुआ है, राइट क्लिक ऑन द माउस डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप है, सरफेस है, ये इंटरफेस है, राइट क्लिक करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या आया, सेकेंड स्टेप पढ़िए, देन चूज न्यू ऑप्शन, इसमें से न्यू कहीं है, यहाँ देखिए यहाँ न्यू है, न्यू ऑप्शन में चूज की है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड चूज फोल्डर ऑप्शन, देखिए ये फोल्डर ऑप्शन है, इसमें चूज करिए, देखिए ये छोटा सा बना, ये देखिए फोल्डर बन गया। ठीक है, ऐसे बनता है फोल्डर, तो जनरली उसके बाद क्या बोला, नाउ पुट द फोल्डर नेम,
जिससे कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ मोनू एंड इंटर कर दीजिए, ये सेव हो गया। आप देखिए ये फोल्डर बन गया, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए फोल्डर बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, हाउ टू रीनेम एनी फोल्डर। मान लीजिए ये मेरा नाम हम मोनू कुमार के नाम से हम बनाए हैं, अब इसको हमको रीनेम करना, हमको मोनू पसंद नहीं आया, हमको दूसरा नाम रखना है। ठीक है, तो उस दौर पे हम क्या करेंगे कि हम जो फोल्डर बनाए उसको रीनेम करेंगे। रीनेम आप कैसे करते हैं, स्टेप्स पढ़िए पता चल जाएगा। राइट क्लिक माउस ऑन दी फोल्डर, ये जो फोल्डर इसमें राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद देन चूज रीनेम कमांड। अब देखिए रीनेम कमांड कहाँ है, यहाँ पे नीचे जाते जाइए। अब देखिए यहाँ लास्ट सेकेंड में रीनेम कमांड है, उस पर नाउ क्लिक करते हैं। अब देखिए फिर से मेरा इंटरफेस आ गया, ये ब्लू लाइन दिख रहा है कि हमको नाम चेंज करना है। ठीक है, ये ब्लू लाइन दिख रहा है, लोगो नाम चेंज करना है। तो अब जो रीनेम करना है ना वो रीनेम करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको मोनू का सोनू करना है, तो हम जनरली रीनेम करेंगे उसको, मोनू को सोनू कर देंगे, SONU सोनू कर देंगे और इंटर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा नाम चेंज हो गया, ये जो नाम हमें चेंज करना था ये चेंज हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हमको यही जाना था कि हाउ टू रीनेम एनी फोल्डर, जो फोल्डर हम मोनू के नाम से बनाए थे उसको हम रीनेम करके सोनू के नाम से कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ टू डिलीट एनी फोल्डर। मान लीजिए जो फोल्डर मैं बनाया मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि चलिए कोई जैसे कि मुझे ये फोल्डर डिलीट करना, जबकि मुझे ये फोल्डर बनाया लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये हटाना है, तो इसको हटाने के दौरान मैं क्या करूंगा। तो आपको स्टेप्स लिखाया गया होगा, राइट क्लिक माउस ऑन दी फोल्डर, फोल्डर पर राइट क्लिक करिए, उसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा उसके बाद देखिए डिलीट कमांड खोजिए, देन क्लिक ऑन डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड खोजते खोजते लास्ट थर्ड में डिलीट कमांड आया, उसमें ओके कर दिए, तो ये जो फोल्डर देखिए ऑटोमेटिकली हट गया। ठीक है, तो बस यही करना था, फोल्डर क्रिएट करना था, फोल्डर को रीनेम करना था, फोल्डर को डिलीट करना था। तीन क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया। अब चौथा क्वेश्चन में हमसे पूछता है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ टू हाइड एनी डेस्कटॉप आइकन। मान लीजिए ये जो मेरा आइकन्स है इसको हमको हाइड करना है, तो ये सब क्या करें, मान लीजिए मेरे घर में एक बच्चा है वो मेरा लैपटॉप बहुत यूज कर रहा था, अब ये सब एप्लीकेशंस मेरे रहेंगे यहाँ पे, तो वो कोई ना कोई एप्लीकेशंस को ऑन करके कुछ मिसयूज कर सकता है या फिर खराब कर सकता है, मेरे जो प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे इसमें तो वो खराब कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग हाइड का ऑप्शन यूज करते हैं कि डेस्कटॉप आइकन्स को ही हाइड कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेप्स पढ़िए, राइट क्लिक माउस ऑन दी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किए, उसके बाद एंड चूज व्यू कमांड, व्यू कमांड को चूज करते हैं, उसके बाद चूज कर लिए, उसके बाद क्या बोलता है, गो टू शो डेस्कटॉप आइकन्स, गो टू शो डेस्कटॉप आइकन्स, देखिए यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किए, अब क्लिक करने के बाद क्या बोलता है नेक्स्ट, एज रिजल्ट योर डेस्कटॉप आइकन विल बी हिडन। तो अब देखिए मेरा जो डेस्कटॉप आइकन है सो हिडन हो चुका है, यहाँ देखिए एक भी डेस्कटॉप आइकन है, एक भी एप्लीकेशन यहाँ शो नहीं हो रहा है, सारा कुछ हिडन हो चुका है। अब फिर से हमको इसको लाना है तो क्या करेंगे, रिवर्स वही रूल अप्लाई करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, उसके बाद व्यू में जाने के बाद शो हिडन डेस्कटॉप आइकन्स में क्लिक करेंगे, जिससे मेरा वापस फिर से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है। मान लीजिए ये जो मेरा विंडोज का जो है वॉलपेपर, बैकग्राउंड जनरली ये समझिए वॉलपेपर, ठीक है, जिससे फोन का वॉलपेपर होता है वैसा ही डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर है उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो आपको स्टेप्स लिखाया गया होगा, राइट क्लिक माउस ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए, उसके बाद क्या बोला गया, एंड चूज पर्सनलाइज कमांड, सबसे लास्ट में पर्सनलाइज कमांड, एज रिजल्ट योर डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड, आपको डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो गया। नाउ चूज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन है, ये चूज करिए। ठीक है, ये चूज कर दिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड चूज एनी वन डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, यहाँ ब्राउज में जाइए या फिर यहाँ भी देखिए बैकग्राउंड ऑप्शन दिया हुआ है, तो चूज एनी योर पिक्चर, यहाँ लिखा हुआ है तो कोई भी एक चूज करिए, मान लीजिए मैं ये चूज करता हूँ। ठीक है, अब चूज करने के बाद एज लास्ट क्लिक सेव चेंज, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो सेव चेंज में हो गया, एज रिजल्ट योर सेलेक्टेड वॉलपेपर इज डिस्प्लेड, ये देखिए वॉलपेपर चेंज हो गया, जैसा कि इसमें कहा गया था कि वॉलपेपर को ही बैकग्राउंड कहा जाता है। तो देखिए जो बैकग्राउंड है मेरे पीसी का वो चेंज हो गया। ठीक है, अगर वापस में हमको जो पहला बैकग्राउंड था उसी को लगाना है तो क्या करेंगे, फिर से रिवर्स ट्राई करेंगे, ये राइट क्लिक किया, लास्ट ऑप्शन पर्सनलाइज कमांड में गए,
ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा ऑन हो गया, बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड में जाने का जो मान लीजिए ये मेरा था पहला वाला जो प्रीवियस वॉलपेपर था, इसको हम चूज किए। चूज करने के बाद फिर ये देखिए आ गया वापस, बस यही कहना था इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ टू सेट एनी इमेज इन योर कंप्यूटर स्क्रीन और बैकग्राउंड। अपने कंप्यूटर स्क्रीन या बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट करना, ये तो चलिए मेरे पास था वॉलपेपर था तो मैंने ये सेट कर लिया। मान लीजिए आपको कोई पार्टिकुलर इमेज सेट करना, जैसे मान लीजिए इसमें आपको अपना अपना फोटो सेट करना है, तो आप क्या करिएगा, इसमें आपको अपना फोटो सेट करना है तो क्या करिएगा, आप वही करिएगा जो स्टेप दिखाया गया वो देखिएगा। राइट क्लिक माउस ऑन दी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किए एंड चूज पर्सनलाइज कमांड, लास्ट में जाइए देखिए पर्सनलाइज कमांड है। ठीक है, एज रिजल्ट योर डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ चूज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन यहाँ पे चूज किए। उसके बाद एंड चूज ब्राउजर कमांड, ये जो ब्राउजर कमांड है इसमें चूज किए, ये ब्राउजर कमांड चूज किए। अब देखिए कि क्या बोलता है, एज रिजल्ट ब्राउजर कमांड डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड, ये ब्राउजर कमांड का डायलॉग बॉक्स दिख गया। उसके बाद क्या बोलता है, देन सेलेक्ट इमेज योर लोकेशन ड्राइव। अब मान लीजिए मेरे पास इतना सारा फोल्डर है, ये मेरा साइड में ड्राइव्स है, ठीक है, तो मेरे पे कौन सा फोल्डर है जहां मेरा वॉलपेपर रखा हुआ, तो देखिए मेरा सेव पिक्चर में वॉलपेपर रखा हुआ है। ठीक है, ये हम अपना फोल्डर सेलेक्ट किए और पिक्चर चूज करने के लिए बोल रहा है, तो हमें कोई पिक्चर चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हम चूज किए। उसके बाद पिक्चर चूज करने के बाद क्या होगा, सिलेक्ट इमेज ऑन लोकेशन ड्राइव, ये लोकेशन ड्राइव में आ गया। ठीक है, उसके बाद एंड लास्ट टू सेव चेंज कमांड, उसके बाद ये क्लिक कर देंगे तो एज योर सेलेक्टेड इमेज विल बी डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आइए देखते हैं, ये देखिए आ गया, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया। ठीक है, और मान लीजिए इसको हटाना है तो वही रिवर्स काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज कमांड में जाएंगे और बैकग्राउंड कमांड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो था प्रीवियस में जो वॉलपेपर था वही सिलेक्ट कर देंगे। तो इसमें इतना ही कुछ सिखाया गया कि जो आज का लेक्चर था उसमें इतना ही कुछ बताया गया कि कैसे क्रिएट करते हैं फोल्डर, कैसे रीनेम करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे हाइड किया जाता है अगर किसी से बचाना है तो, फिर कैसे उसको बैकग्राउंड सेट करते हैं, बैकग्राउंड को चेंज करते हैं डेस्कटॉप का, फिर कैसे अपना पिक्चर अगर सेट करना है तो वो करते हैं। ठीक है, मेरे पास मेरा पिक्चर था नहीं मेरे डेस्कटॉप में, तो हम अपना पिक्चर सेट नहीं किए, तो हम भी सेट करके दिखा देते कि कैसे सेट किया जाता है। वैसे ही जो प्रोसेस था वही है, जैसे वॉलपेपर सेट करने का प्रोसेस जो है वही इसमें पिक्चर सेट करने का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये करके, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।